सीन है आगरतला चंद्रपुर बस स्टैंड का सिचुएशन। तो आज दोपहर का सीन है, मेरा राइट साइड का जो रास्ता है आसाम आगरतला रूट, तो पानी से पूरा भरा हुआ है। और टाइम जितना जा रहा है पानी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, टाइम के साथ पानी भी बढ़ते चला जा रहा है। और अभी जो सीन आपको दिखाई दे रहा है ये है आगरतला पुरान मोटर स्टैंड का आसपास जो BUC है, गणराज चौमनी पेट्रोल पंप टू पुरान मोटर स्टैंड रूट। तो ये है सिचुएशन गणराज चौमनी पेट्रोल पंप का। और ये रूट है वुमेन्स कॉलेज टू गणराज चौमनी रूट, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही पानी है। मैं घर से लगभग 12 बजे के आसपास निकला था और मुझे तो लगता है टाइम के साथ साथ पानी का स्थिति भी बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम आ गया तुलसीबुद्धि स्कूल का सामने, और अभी आपको दिखाई दे रहा है तुलसीबुद्धि स्कूल का सामने का सिचुएशन। और यहाँ का वाटर का जो कलर है मुझे तो लगता है थोड़ा सा ग्रीन कलर है, तो मुझे पता नहीं है कि वो यहाँ का वाटर थोड़ा सा ग्रीनिश है। और ये रोड है रिलायंस शोरूम का ठीक सामने वाला रोड, दैट मीन्स चिल्ड्रन पार्क का ठीक पीछे वाला रोड। और इस रोड में भी बहुत ज़्यादा ही पानी है फिलहाल, ये रोड भी चलने के लिए लायक नहीं है। और साइड में बहुत फास्ट फूड का दुकान भी था, तो अभी आधा पानी का नीचे है, फिर भी हम लोगों का उम्मीद है कि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी जो वाटर का स्थिति आपको दिखाई दे रहा है तो ये लगभग दोपहर 12 बजे का, और मैंने जब घर गया तब लगभग 4 बज गया था। और मैंने जिस रास्ते से आया है तो इस रास्ते से हम जा नहीं पाया क्योंकि कई गुना ज़्यादा पानी भर गया था 4 बजे के आसपास। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 बजे के आसपास इस टाउन का स्थिति क्या बन गया था। तो ये है हमारा हिंदी स्कूल, हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, और इसके सामने भी पानी दिखाई दे रहा है। इस साइड से लेके उस साइड तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, और अंदाज़ा नहीं है मुझे कितना पानी है, लेकिन जितना दिखाई दे रहा है मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा ही पानी है फिलहाल। और अभी जाने के टाइम फिर से मैंने आया है चंद्रपुर, और इसी रास्ते से मैंने आया है, तब यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था। तो अभी सिचुएशन कुछ चेंज हो गया है जाने के टाइम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी आ गया है, और इधर से कितना ज़ोर से पानी आ रहा है। तब उस टाइम पानी नहीं था, इधर से पानी नहीं आ रहा था, बिल्कुल साफ था, लेकिन इस तरह से अभी बहुत ज़ोर से पानी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस रास्ते से मैं और नहीं जा पाऊँगा घर, तो मुझे घर जाने के लिए कुछ अलग रास्ता ही अभी देखना होगा। मैंने अभी घर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया, लेकिन यहाँ पर आके देखा ये रास्ता और भी ख़तरनाक हो गया। आप देख सकते हैं पूरा पानी से भर गया है। तो ये रास्ता भी बिल्कुल खाली ही था जब मैंने आया था, तो अभी क्या सिचुएशन है आप देख सकते हैं, पूरा रास्ता पानी से भर गया है। और अभी सामने क्या है, सामने का सिचुएशन क्या है, ये भी मुझे पता नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम लोग जिस गांव में रहते तो इस गांव का हाल कुछ आज इस तरीके का है, जिस गांव में कभी भी पानी नहीं आता था, इस रूट में मैंने तो पानी नहीं देखा है। तो दोस्तों ये मेरा एक हिंदी ब्लॉग चैनल है, तो आप अगर हिंदी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। और इस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए मिलते हैं आपसे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।